प्याज जो स्वाद बढ़ाती है, जिसको कहीं भी रख दो जल्दी खराब नहीं होती। दरअसल प्याज एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। मोदी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के निर्यात पर लगा बैन हटा दिया है। तो वहीं भारत और चीन प्याज के उत्पाद में सबसे आगे हैं। इसके बावजूद इसे सबसे ज्यादा खाने वाले देशों में भारत चीन शामिल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से चलिए जानते हैं प्याज का इतिहास और सरकार ने प्याज के निर्यात पर क्यों लगाया था बैन। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्याज ऐसी फसल है जो दुनिया भर के ज्यादातर देशों में पैदा होती है। इसके बावजूद इसकी कीमतें रिकॉर्ड बनाती आई हैं। लेकिन अब प्याज किसानों और व्यापारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्याज पर क्यों लगा था बैन? पिछले कुछ सालों में देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया था, जहां सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला पिछले 8 दिसंबर को किया था, जिससे भारत के अलावा कहीं दूसरे देश में प्याज की बिक्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्री समिति ने अब प्याज को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। वहीं बैन की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। बता दें, शुरुआत में अभी 3 लाख मैट्रिक टन ही प्याज निर्यात होगा। कहां से आया था प्याज? खानपान के इतिहास और पेड़ पौधों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ यह मानते हैं कि प्याज की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में हुई थी। कुछ रिसर्च में यह तक दावा किया गया है कि पहली बार प्याज को ईरान और पश्चिमी पाकिस्तान में उगाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वजों ने बहुत पहले ही जंगली प्याज की खोज कर ली थी और उसे खाना भी शुरू कर दिया था। बहुत से रिसर्चर्स इस बात से सहमत है कि प्याज की खेती 5000 साल या उससे अधिक समय से की जाती रही है। हालांकि प्याज बहुत से क्षेत्रों में जंगली पौधों के रूप में भी उगता था। प्याज एक ऐसी चीज रही है जो लंबे समय तक रखने के से खराब तक नहीं होती। खाने को स्वाद देने के अलावा यह भी इसकी एक खूबी रही है। यही वजह है कि खाने पीने वाली चीजों में प्याज ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में अपनी जगह बनाई है। तो वहीं मोदी सरकार ने भी अब प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है, जिससे अब दूसरे देशों में भी प्याज निर्यात किया जा सकेगा और देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होने के साथ भारत के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।